तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी गोदी मीडिया का पुरजोर विरोध करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो कोरोना महामारी के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज फिर से सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बातचीत। कोरोना पर होगी चर्चा, वहीं लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर ले सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी के बढ़ते मामले के बीच एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। वहीं आपको बता दें कि 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपाल इसमें शामिल होंगे। वहीं केंद्र की मोदी सरकार लॉकडाउन और कोरोना महामारी पर चर्चा करेगी। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो नेपाल से मोदी को बड़ा झटका, नेपाल ने भारत की जमीन पर किया कब्जा। 30 प्लेयर भारत के हुए गायब। बीएसएफ के जवानों ने डीएम को भी लिखी चिट्ठी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी इस समय खबर सामने निकल कर आ रही कि जिस तरह से नेपाल लगातार नक्शे को जारी कर भारत के 3 क्षेत्रों को अपना बता रहा है। इसी बीच एक खबर सामने निकल कर आ रही कि नेपाल ने अब भारत की जमीन पर कब्जा भी कर लिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से इंडो नेपाल की सीमा से ये सटा हुआ जिला है, जिसमें गौरीफंटा, तिकुनिया, संपूर्णा नगर ये सभी इलाके लखीमपुर खीरी जिले के अंतर्गत आते हैं, नेपाल की सीमा से जुड़े हैं। जहां की कुछ जगहों पर नेपाल की तरफ से नो मैंस लैंड की कई पिलर गायब किए जा चुके हैं, जिसकी खबर लगते ही एसएसबी के अधिकारियों ने लखीमपुर खीरी के जिला अधिकारियों को सूचना दे दी है, जिसके बाद जिला अधिकारी ने इस मामले की जानकारी मोदी सरकार को दी है। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि अब जो है नेपाल भारत की जमीन पर भी कब्जा करने लगा है, जबकि भारत के 30 पिलर अचानक गायब हो गए हैं भारत और नेपाल की सीमा के पास से। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि ये सब नेपाल ने ही किया है। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो लॉकडाउन का फैसला मोदी सरकार के अहंकार का नतीजा, कोरोना से निपटने के तरीके को लेकर राहुल गांधी का मोदी पर हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जिस ढंग से लॉकडाउन को देश में लागू किया, उसे लेकर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमला बोल रही है। अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लॉकडाउन लागू करने के तरीके को लेकर एक बार फिर से मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि अल्बर्ट आइंस्टीन का वाक्य लिखा, और राहुल गांधी ने लिखा कि ये लॉकडाउन साबित करता है कि अज्ञान से ज्यादा एक ही चीज खतरनाक है, अहंकार। तो राहुल गांधी का ये सीधा हमला मोदी की तरफ था, क्योंकि राहुल गांधी ने लॉकडाउन को एक बार बेकार भी कह दिया और कहा कि ये लॉकडाउन फेल हुआ है और इससे कोरोना महामारी भी नहीं रुकी और मोदी सरकार लॉकडाउन को लागू करने में फेल हुई। तो एक बार फिर से राहुल गांधी ने मोदी पर हमला बोला है। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो दिल्ली में फिर से लगेगा लॉकडाउन, सीएम केजरीवाल ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में जिस तरह से कोरोना महामारी लगातार बहुत तेजी से बढ़ रही है, अब इसी को लेकर केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने साफ किया है कि यहां फिर से लॉकडाउन लागू करने की कोई योजना नहीं है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद इस बारे में बताया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है, यानी दिल्ली में लॉकडाउन 17 जून के बाद भी नहीं लगेगा। तो ये काफी बड़ी अपडेट आ रही है कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगेगा। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो कहां खर्च हुआ पीएम केयर फंड का पैसा, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम केयर फंड को बनाया था, जिसको लेकर शुरू से ही सवाल उठने शुरू हो गए थे कि पीएम केयर फंड में अब तक देश की जनता ने कितना पैसा डाला और प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें से कितना पैसा किस चीज के लिए खर्च किया, इसकी जानकारी देश की जनता को प्रधानमंत्री मोदी दें। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इसकी जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया गया था। लेकिन आज एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि पीएम फंड का पैसा कहां पर इस्तेमाल हुआ। वहीं आपको बता दें कि रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 20 करोड़ रुपए से 50,000 मेक इन इंडिया वेंटिलेटर्स इसी के पैसे से बनवाए गए हैं। वहीं 1,000 करोड़ रुपए प्रवासियों के कल्याण के लिए भी पीएम केयर फंड से प्रधानमंत्री मोदी ने दिए हैं। वहीं 100 करोड़ रुपए वैक्सीन बनाने के लिए भी पीएम केयर फंड से ही प्रधानमंत्री मोदी ने दिए हैं। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आई कि इन चीजों में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम केयर फंड के पैसे का इस्तेमाल किया है। तो ये जानकारी आज रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो तमिलनाडु के सीएम ने की सख्त लॉकडाउन की घोषणा, 4 जिलों में 19 से 30 जून के बीच लागू किया लॉकडाउन। जी दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की बैठक से पहले ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ईके पलानी स्वामी ने उस बैठक से पहले ही चेन्नई मेट्रोपॉलिटन पुलिस के दायरे में आने वाले 4 जिलों में अधिकतम प्रतिबंधित लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। जी दोस्तों, आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानी स्वामी ने चेन्नई और
आसपास के इलाकों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के देखते हुए 4 जिलों में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। ये लॉकडाउन पहले की तरह बहुत ही सख्त होगा, जिसे अधिकतम प्रतिबंधित लॉकडाउन कहा जा रहा है। ये लॉकडाउन चेन्नई महानगर पुलिस के अधीन आने वाले चेन्नई, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू और तिरुवल्लुरम जिले में 11 दिनों तक लागू होगा। ये लॉकडाउन 19 से 30 जून के बीच लगाने की मुख्यमंत्री की तरफ से घोषणा की गई है। तो ये काफी बड़ा कदम उठाया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सीएम योगी पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला, कहा यूपी की बेहतरी के लिए छोड़े योगी कुर्सी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि बढ़ते भ्रष्टाचार और सरकार की अराजकता के कारण उत्तर प्रदेश के हालात मुख्यमंत्री योगी के हाथ से निकलते जा रहे हैं और राज्य की बेहतरी के लिए उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। जहां दोस्तों आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश में हालात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नियंत्रण से बाहर चले गए हैं, पुलिस तंत्र में अराजकता जैसी स्थिति बन रही है, वहीं सचिवालय भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है, किसान और छोटे कारीगर परेशानी से उबर नहीं पा रहे हैं, कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में अब हालात सुधरने के आसार नहीं दिख रहे हैं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रदेश की बेहतरी के लिए अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। तो यह काफी बड़ी बात कही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि राज्य के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ घोटाला राज्य का सबसे बड़ा घोटाला है और ये योगी सरकार ने किया है और योगी सरकार के इसमें मंत्री भी पाए गए हैं। तो ये काफी बड़ा हमला अखिलेश यादव ने योगी पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो जितेंद्र सिंह का सवाल, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो अनुच्छेद 370 को कर देगी जम्मू कश्मीर से खत्म। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की जनसंवाद रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस को अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से हटाए जाने का बहुत गम है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस आने वाले समय में सत्ता में आई तो वह अनुच्छेद 370 को खत्म कर देगी। वहीं आगे उन्होंने कहा कि जो है कांग्रेस ये बताए कि अगर वह सत्ता में आती है तो जम्मू कश्मीर से 370 अनुच्छेद 370 को हटाएगी या नहीं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब दोनों संभागों के साथ बराबरी का व्यवहार हो रहा है, जम्मू संभाग में एम्स का काम भी शुरू हो चुका है। वहीं आगे उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का श्रेय दिया है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 खत्म कर जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से भारत में मिलाया गया, इससे पीओके पश्चिम पाकिस्तान के रिफ्यूजियो वाल्मीकि समाज आदि के साथ 70 सालों से हो रहा भेदभाव खत्म हुआ, पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब भी अब मोदी सरकार कार्रवाई से दे रही है। तो ये काफी बड़ी बात उन्होंने कही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो चुनाव आयोग ने किया बड़ा ऐलान, 6 जुलाई को होंगे बिहार में विधान परिषद के चुनाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि देश भर में कोरोना महामारी का कहर बरस रहा है, जिसको देखते हुए बिहार विधान परिषद की रिक्त पड़ी 9 सीटों पर होने वाले चुनाव को टाल दिया गया था। चुनाव आयोग की ओर से आज जानकारी दी गई है कि इन सभी 9 सीटों पर अब 6 जुलाई को चुनाव होगा, मतदान होगा, जिसके बाद नतीजे आएंगे। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो दिग्विजय का शिवराज सरकार पर आरोप, लूट की बात उठाने पर मेरे खिलाफ हुई बीजेपी की तरफ से एफआईआर। जहां दोस्तों आपको बता दें कि इन दिनों मध्य प्रदेश की राजनीति में वीडियो वार चल रहा है, जहां बीते दिनों प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया था, जिसके बाद बीजेपी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसी को लेकर दिग्विजय सिंह, कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूं, जमीन पर भी लड़ता हूं और संसद में भी लड़ता रहूं, सरकार में था तब भी मैंने भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, भाजपा और संघ मेरे खिलाफ गलत बातें करते रहते हैं, लड़ाई मेरी उनसे है और वह जो अफवाह फैलाते हैं वह गलत है। आगे दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी पार्टी में जाने से पहले सिंधिया जी से मेरी चर्चा होती रहती थी, मैंने कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी में संयम बने रहे और वह बीजेपी में नहीं जाए, लेकिन खरीद फरोख्त हुआ बड़े पैमाने पर, जिसके बाद विधायक मंत्री बिके और बीजेपी ने इन सबको खरीदा और हमारी सरकार को जो है मध्य प्रदेश में गिराया। वहीं आगे उन्होंने कहा कि जितना भी ये हम पर जुल्म कर लें, लेकिन हम सच्चाई को बोलते रहेंगे। तो ये काफी बड़ा बयान दिया है दिग्विजय सिंह ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कोरोना के खिलाफ केंद्र की दिल्ली सरकार का एक्शन प्लान, 20 जून से रोज होंगे दिल्ली में 18,000 कोरोना टेस्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने सोमवार को कहा कि राजनीतिक मतभेदों को अलग रखकर कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जरूरत है। इसके साथ ही 20 जून से दिल्ली में कोरोना वायरस की जांच को बढ़ाकर रोज 18,000 जांच करने का केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच कांग्रेस ने केंद्र और दिल्ली सरकार पर निशाना साधा था। राष्ट्रीय राजधानी के सभी मुख्य राजनीतिक दलों ने नेताओं के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक के बाद दिल्ली के
भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता और आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि 20 जून से दिल्ली में कोरोना के प्रतिदिन 18,000 जांच की जाएंगी। संजय सिंह ने कहा कि बैठक में फैसला किया गया है कि महामारी के खिलाफ राजनीति को अलग रखकर अस्पतालों में बेड की संख्या में वृद्धि पर भी चर्चा हुई। गुप्ता ने कहा कि केंद्र की एक टीम निजी अस्पतालों में शुल्क पर सीमा तय करने को लेकर एक रिपोर्ट देगी, जिसके बाद मनमाना शुल्क वसूले जाने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी और दिल्ली में 18,000 अब रोज कोरोना टेस्ट होंगे, वहीं बेडों की भी संख्या आगे बढ़ाई जाएगी। तो ये काफी बड़ा फैसला लिया है केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली सरकार ने। ये भी देखा था 2006 में कि एक एमपी ने यहां पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए थे, वो भी हमने देखा था और वो सब कौन थे हम जानते हैं, मगर ये जिम्मेदारी सबकी है सर।